बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कोफ्ते। इसके लिए क्या क्या अज्जा दरकार है? ऑयल, बीफ का कीमा, पिसी हुई प्याज, अदरक लहसुन, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, साबुत गरम मसाला काले जीरे का, और हमें चाहिए हरा मसाला जिसमें हरा धनिया, हरी मिर्च, प्याज चॉप हुई हुई, और हमें चाहिए एक और जगह अदरक लहसुन और एक छोटी प्याज और लाल मिर्च, नमक, धनिया, खसखस, चने पिसे हुए और काले जीरे का गरम मसाला। अब मैं आपको अलग अलग गरम इसके रेसिपीज जो है ना अलग अलग बताती हूँ। सबसे पहले हमें कीमा लेना है एक पाव, उसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन, ठीक है, एक टेबलस्पून अदरक लहसुन डाला, ठीक है। उसके बाद हम जो है ये सारा मसाला पीसेंगे, जिसमें एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर है, एक टीस्पून नमक है, एक टीस्पून खसखस है, एक टेबलस्पून इसमें चने पिसे हुए हैं, और हमारा ये एक छोटी प्याज है, और ये हमारा गरम मसाला है जिसमें 10-12 काली मिर्चें हैं, 6 से 7 लौंग है, एक टीस्पून काला ज़ीरा है, एक बड़ी इलायची है, एक दालचीनी का टुकड़ा है, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को जो है वो हम पीसेंगे। सबसे पहले प्याज छील के उसके टुकड़े करती हूँ और इन सारे मसाले को पीसती हूँ। अभी हमने सिर्फ कीमे में अदरक लहसुन डाला है। देखिए, मैं सबसे पहले ये सारे सूखे मसाले पीस लूँगी। प्याज को मोटा मोटा काट के रखा है, बाद में शामिल करूँगी, पहले ये सूखे मसाले पीसती हूँ। हमारा ये ड्राई मसाला पिस गया, ठीक है, वो हमने शामिल करा। अब मैं जो है वो इसमें ये वाली प्याज पीस लें। अब हमने ये जो है अपनी वो जो छोटी सी प्याज दिखाई थी ना, वो भी पीस ली है, वो इसमें शामिल करा, ठीक है। कई में अच्छे से मिक्स करेंगे। बारीक रूखा बीफ का कीमा लिया है, ठीक है। मसाला हमारा पिस गया है। अब हम इसमें हरा मसाला, जिसमें हमारी एक छोटी सी प्याज है चॉप हुई हुई, एक टेबलस्पून हरा धनिया है और 5-6 हरी मिर्चें हैं। अब हम इसको जो है सारे मसाला मिला के अब हम इसके कोफ्ते तैयार कर रहे हैं, राउंड बना रहे हैं, कोफ्ते की बॉल्स बना रहे हैं। इसी तरह मैं ये सबके बना लेती हूँ बॉल्स। सारे कोफ्ते तैयार हो गए, देखें, सही है। अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, ये देखें, एक कप प्याज पिसी हुई, 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन, काले जीरे का गरम मसाला, 4-5 काली मिर्चें, 4-5 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। क्योंकि ग्रेवी तैयार कर रहे हैं, ऑयल लिया, ठीक है, ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए। अब हम इसमें गरम मसाला कड़कड़ाएंगे काले जीरे का, ठीक है।
हो गया, गरम मसाला हमारा हो गया, अब हम प्याज शामिल कर रहे हैं। हमने प्याज शामिल करी है, इसको थोड़ा सा इसका कच्चापन करेंगे, खत्म। हल्की सी हो जाए हमारी प्याज, फिर हम इसमें अदरक लहसुन और बाकी के मसाले शामिल करेंगे। हमारी प्याज सौते हो गई है, इसका कच्चापन खत्म हुआ है, अब हम इसमें अदरक लहसुन डाल के थोड़ा सा भूनेंगे। अब हम इसमें नमक, लाल मिर्च और धनिया पाउडर ऐड करें। मिक्स करेंगे। हमारा मसाला और ये वो हो गए। अब हम इसमें एक प्याली पानी शामिल करके इसको ढक के रखेंगे कि मसाले का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए और तेल ऊपर आ जाए, भुन जाए ताकि हमारा मसाला, ठीक है, इसको ढक देंगे। देखिए हमारा मसाला भुन गया, तेल ऊपर आ गया, ठीक है। अब हम इसमें अपने एक एक करके कोफ्ते शामिल करते हैं। मैं चम्मच चला रही हूँ कि एक दफा मसाले में इसको कोट कर लिया है, उसके बाद हम इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं चलाएंगे, ठीक है। ये मसाले में कोट हो गया, ठीक है। मुझे जितने कोफ्ते चाहिए थे अभी अपने घर की जरूरत के मुताबिक उतने ले लिए, वैसे इसमें 10-11 बने थे एक पाव के मैंने। अब हम इसमें गरम पानी करने के लिए रखा हुआ था, गरम पानी शामिल करेंगे। डाल के हम इसको आधे घंटे के लिए कम से कम ढक के पकने के लिए छोड़ेंगे कि उसमें हमारे कोफ्ते रेडी हो जाएंगे। हमारे देखिए पक रहे हैं कोफ्ते, ठीक है, इनको थोड़ा सा हिला लेते हैं। ठीक है, अब हम फिर ढक के रखते हैं। 30 मिनट हो चुके हैं हमारे पकते हुए और ये बिल्कुल तैयार है, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया, हरी मिर्च डालेंगे और इसको 1 मिनट के लिए ढकेंगे और फिर चूल्हा बंद कर देंगे। एक मिनट हो गए, अब हम चूल्हा बंद करके इसको डिश आउट करें। हाय, मज़ेदार से कोफ्तों का सालन रेडी है। इसको आप नान के साथ इंजॉय करें या रोटी के साथ। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक
थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।